तो ये कॉफ़ी ले लिया और पापा ने चाय ले लिया यहाँ से, और सिर्फ 7 रिंगट। तो ये है लंकावी का सबसे टूरिस्टिक बीच कह सकते हो। हेलो, ब्लॉगिंग पर था फ्रेंड्स। हम लोग मलेशिया जा रहे हैं और ऐसा कुछ था मेरा दुनिया का जिंदगी का पहला ब्लॉग। मैं जा रहा था मलेशिया, 2018 की बात है, 2018 का अक्टूबर नवंबर मंथ था। मेरा उम्र था 20 और मैं भुवनेश्वर से एयर एशिया की फ्लाइट लेकर जा रहा था कुआलालंपुर। जिंदगी का पहला इंटरनेशनल फ्लाइट। आज है 2026 का जनवरी का एंड, 90 घंटे हो चुके हैं एंड फिर से मैं जा रहा हूँ मेरा पहला कंट्री मलेशिया। और इस बार मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, पहली बार अपने फैमिली को साथ में ले जा रहा हूँ। मलेशिया में अभी वीज़ा फ्री है और वेस्ट बंगाल से मतलब कोलकाता से सस्ती फ्लाइट मिल जाती बहुत सारी, तो उसी में से हम लोग जा रहे हैं आज मलेशिया। 4 दिन का ट्रिप है, तो चलो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, शायद इसी वीडियो में दिखा देंगे पूरे मलेशिया का ट्रिप, फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग विद फैमिली। चारों का टिकट लगा हम लोगों को अराउंड 50,000 का, मैंने 1 महीने पहले टिकट काटा था और इसमें सिर्फ हैंड लगेज अलाउड है। तो हैंड लगेज में अपने टोटल ये वाला 6 किलो, वो वाला 5 किलो और वो वाला बड़ा बैग वो 10 किलो का, तो सब आ गया है। वीज़ा नहीं चाहिए, 1 घंटे में फ्लाइट है, चिल करते एंड लेट्स मीट इन मलेशिया। बार नंबर गेट है, अपनी बोर्डिंग शुरू हो चुका है और भाई लाइन देके फ़ायदा नहीं है। सीट अच्छा मिला है, मम्मी पापा को मिला है फ्रंट टू सीट, हम लोगों ने एक्स्ट्रा पैसे लेके फ्रंट रो लिया था, उसका लगा था आई थिंक 5,000 रुपये 2 जन का, और हम लोग को मिल गए मेरे और मेरे भाई को। तो सामने सामने सीट है, आगे बढ़ते हैं। तो मॉमलेट के लिए मैंने लिया है फ्रंट रो वाला सीट, जिसके लिए अलग से 2,500 रुपये पर पर्सन लगाया था। तो बताए दोनों वही एयर एशिया फ्लाइट, मेरा 6C है सीट, और क्या ही बताना। तो ये हॉट सीट्स है सारे, वैसे तो कुछ खास लेग रूम में डिफरेंस दिख नहीं रहा मेरे को, पर ये सब लेने के लिए 2,500 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। तो यार क्या ही दिखाना, ऐसा बाथरूम है और बस। और फिर फ्लाइट उतर गया है अर्ली टाइम, हम लोग 7:15 को उतर गए, 7:30 बजे का टाइम होता है, बट 7:15 बजे उतर गए। मलेशिया में स्वागत है। पीछे वाली टीम से मैंने कैश निकाल लिया और इस बार मैं यूज़ कर रहा हूँ फीका कार्ड के बारे में बहुत सुना था, पर उतना मज़ा नहीं है, रेट उतना अच्छा नहीं है। आज का रेट है 17.5 और मेरे को यहाँ पर फी पे रेट पड़ा है 18.2 का। मैंने 500 रिंगेट निकाल लिए, 500 रिंगेट का मतलब ऑलमोस्ट 9,000 रुपये, 9,000 रुपये का खाना पैसे निकाल लिए। इमिग्रेशन पर कुछ नहीं पूछा क्योंकि इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है, ऑल दो मेरे पापा को थोड़ा बहुत पूछ रहे थे पर मैंने हैंडल कर लिया। और अभी हम लोग यहाँ से टैक्सी करके जाएंगे केएल की तरफ। पहली बार यहाँ से बस लिया था, बस पड़ती है 15 रिंगेट के आसपास, 1 रिंगेट का आपको रेट पता है, ऑलमोस्ट 18 रुपीज़ का। और इस बार हम लोग टैक्सी लेंगे क्योंकि हम लोग 4 जन हैं। कोई वाला तो ये कॉफ़ी ले लिया और पापा ने चाय ले लिया यहाँ से, और सिर्फ 7 रिंगट, यानी कि सिर्फ 123 रुपये। इतना सस्ता तो इंडिया में भी शायद नहीं मिलता है एयरपोर्ट पे कॉफ़ी और चाय। कैसा लग रहा है पहली बार ट्रैवल करके? और हम लोग एयरपोर्ट से निकल गए, ये अपनी है टैक्सी बढ़िया सा होंडा सिटी, और आई थिंक 1.5 घंटे लग जाएंगे सिटी सेंटर पहुंचने में। अगर आप बस ले रहे हो उसका भी 45 मिनट 1 घंटा लग जाता है केएल सेंट्रल कहते हुए। पहली बार मैंने बस लिया था, बस सबसे सस्ता है, और फिर आ जाता है ट्रेन जो कि महंगा है, और फिर अगर आप 2 जन से ज़्यादा हो या फिर 3 जन हो तो टैक्सी बेस्ट है। वैसे कुछ टैक्सी कैंसिल कर रहे थे, बोल रहे थे कि हम 3 जन से ज़्यादा नहीं लेंगे, और हम लोग 4 जन तो लेना चाहिए। इधर भी नखरे मारते हैं इंडिया जैसा, हर जगह सेम ही है। रोड्स तो एयरपोर्ट के एरिया में बढ़िया ही। ये है अपना रूम, ये है बेड, बाथरूम उतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है। इस बार हम लोग रह रहे हैं अपार्टमेंट में। पहली बार मैं जब आया था तब तो मैं काउच सर्फिंग कर रहा था, रूडी भाई थे, रूडी मेरा पहला काउच सर्फिंग होस्ट था पूरे ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस में। पर इस बार इस अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, सेंटर में ही है, और इसका दे रहे हैं हम लोग सिर्फ 200 रिंगेट,
3,500 रुपये के आसपास। और इधर सब कुछ मिल रहा है। मलेशिया का फ्लैग जो दिखने में लगता है थोड़ा बहुत यूएस का फ्लैग जैसा, और ये है यहाँ का केएल टावर जो कि एक टाइम में दुनिया का सबसे लंबा टावर हुआ करता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी आई थिंक दुनिया का 7th लार्जेस्ट टॉलेस्ट टावर है, पर इससे भी ज़्यादा फेमस है पीछे का पेट्रोनस टावर, ट्विन टावर, जो आप लोग सब देख चुके हो। अभी मलेशिया बोलोगे तो वो ट्विन टावर दिखता है, वो अपने पीछे साइड है। हम लोग जा रहे हैं थोड़ा इंडियन साइड, इंडियन खाना खाने, तो इंडियन खाना ढूंढने जा रहे हैं हम लोग। वैसे ये लोकल टाइप के रेस्टोरेंट्स होते हैं, यहाँ पे भी खाना मिल जाता है, खाने बहुत सस्ते हैं, रोटी पकोड़े चिकन चावल सब मिल जाएगा, क्योंकि मलेशिया में भी अपने देसी ऐसे ही खाने मिलते हैं। तो हम लोग आए एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट पर, और यहाँ पे मिल गया ये थाली, ये है 20 रिंगट का, ये साउथ इंडियन थाली, और ये डोसा सिर्फ 6 रिंगट का, 6 रिंगट यानी कि 110 रुपये, और 20 रिंगट यानी कि आप हिसाब कर लो। और बस तो ये जो पूल है, ये पूल एरिया अभी क्या कह सकते हैं, मतलब लक कितना ख़राब है। इन्फिनिटी पूल के साथ हमने रूम लिया था ताकि यहाँ पे चिल करते करते इस पेट्रोनस टावर के ट्विन टावर का व्यू ले सके। यह केएल टावर एक नया टावर है, ये पुतिंग टावर कुछ ऐसा नाम है, और देखो हालत ख़राब और सब रूम पे सो रहे हैं, ऐसा ही होता है अगर फैमिली के साथ ट्रैवल करो तो सब सोते रहते हैं। मतलब मेरा फैमिली तो ऐसे ही है, ट्रैवल मतलब वेकेशन, हमारे ऐसे थोड़ी ट्रैवल मतलब एक्सप्लोरिंग, कुछ एक्सप्लोर नहीं हो पा रहा। बारिश का सीज़न, उससे वजह से रास्ते में लोग कम है, क्योंकि मेरे को याद है लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं था। यह इसे कहते हैं टाइम्स स्क्वायर ऑफ एशिया, और यहाँ पे बहुत लाइव फेस्टिवल बहुत मज़ेदार होता है। मोनोरेल आके गया, मोनोरेल का टिकट था 2.5 रिंगट का, यानी कि अराउंड 50 रुपये, तो निकल के ये जगह देखते हैं। और देखो इसे कहते हैं एशिया का टाइम स्क्वायर, यहाँ पे इतने लोग क्रॉस करते हैं, इनमें से बहुत लोग बिना काम पर भी क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे फील लेने के लिए जैसे अभी हम लोग करेंगे, इससे उससे आ जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। और ये अपना कटहल नहीं है, इसे कहते हैं दुरियन, ये यहाँ का बहुत ही फेमस खाना है। और कितना महंगा है यार, देखो 88 किलो, यानी कि मान लो ऑलमोस्ट 1500 रुपये किलो में दिख रहा है, पता नहीं। ये जो स्ट्रीट है वो मेन टाइम्स स्क्वायर के पास ही है, और यहाँ पे सारे चाइनीज फूड मिल जाएंगे आपको, क्रैब मिल जाएंगे यहाँ पे आपको, स्नेल से लेके ऑक्टोपस सब मिल जाएगा, गन्ने का जूस भी मिल रहा है और नारियल का पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। हम लोग इधर बस बैठ के देख रहे हैं, और फैमिली एकदम सरप्राइज्ड है कि ऐसे लोग ये सब खा रहा है इधर, इतना सारा नॉनवेज खाना। तो वो है केएल टावर, और वो है एक नया टावर, केएल टावर जो है पीछे, ये दुनिया का एक टाइम में सबसे बड़ा टावर था शायद, या फिर 7th tallest टावर है। अभी इसके ऊपर हम लोग जाने वाले हैं, इसका टिकट अलग अलग लेवल के अलग अलग टिकट्स है, यहाँ पे आके आप टिकट ले सकते हो, या फिर ऑनलाइन में गेटवे का जैसे वेबसाइट से आप टिकट ले सकते हो, पर हम लोगों ने ऑनलाइन ले लिया है। आप लोगों को इधर प्राइजेस दिखा देता हूँ क्या क्या प्राइजेस है, बहुत से एक्टिविटीज़ है, स्काई बॉक्स है, स्काई डेक है, हम लोग कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन स्काई बॉक्स एंड स्काई डेक, जिसका इंटरनेशनल का प्राइस अलग है, लोकल्स का प्राइस अलग है, 110 का आ रहा है पर पर्सन, यानी कि मान लो 2000 रुपये। अभी चलो अंदर चलते हैं। तो वो है अपने पेट्रोनस ट्विन टावर्स, और ये है पूरा कुआलालंपुर। आई थिंक ये 400 मीटर हाइट है, पता नहीं। वैसे आप जब केएल टावर देखते हो, अभी तो मलेशिया से सर्च करोगे तो पेट्रोनस ट्विन टावर का ऑप्शन आता है, पहले अगर मलेशिया सर्च करोगे तो सिर्फ ये केएल टावर का नाम आता था, केएल टावर। अभी फिर ट्विन टावर के बाद अभी नया वाला जो बना है, कुछ सालों में ये वाला फेमस हो जाएगा लगता है। ठीक है, इसका 2 skybox मिल गया, skybox 1 skybox 2, और कूपन दे दिया ताकि आप वहाँ पर skybox के अंदर भीड़ ना करो। skybox का एक्चुअली वो जो ग्लास वाला घर दिख रहा है उसे कहते हैं स्काई बॉक्स, उधर जाकर फोटो ले सकते हो। तो माइक अनाउंस हो रहा है किसका क्या टर्न है। वैसे तो शाम को आओगे तो ज़्यादा व्यू अच्छा लगेगा,
सनसेट होगा उधर से, पर आज फोरकास्ट थोड़ा बारिश का है तो मैंने स्किप कर दिया शाम वाला आइडिया। और अपना टूर हो गया ऊपर केएल टावर वाला। यार अंदर ग्लास बॉक्स में जाएंगे बस सिर्फ 45 सेकंड दे रहे थे, 45 सेकंड से 1 मिनट तक, बहुत कम है स्पेशल चार्ज इनका फैमिली हो। वो जो फील लेने वाली बात होती ना, वो फील आपको इंस्टाग्राम रील देख के मिलेगा। इंस्टाग्राम का आप 30 सेकंड का रील देखोगे, कोई अपना फील हटा के जो रील बनाएगा उसका फील लो, खुद आओगे। और अगर वीडियो लेना है फोटो लेना है तो फील नहीं ले पाओगे, मेरे को तो इतना समझ आएगा फील नहीं आ पाया। और उतना भी एज में नहीं है, थोड़ा सा एज में है, मतलब 1 मीटर 2 फीट ऐसा एज में है, तो उतना फील नहीं आया। यार फुल फैमिली के साथ ट्रैवल करना इज़ वेरी हार्ड यार, वेरी हार्ड। कोई बात नहीं, आप लोगों को चेकआउट कर लें, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था तो लेट 2 बजे चेकआउट हो रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा कि यहाँ का जो प्लग सॉकेट है ऐसा है, तो आपको ऐसा अडेप्टर लेना पड़ेगा, इंडिया वाला ये सॉकेट काम नहीं करेगा, आपको ये अलग से लेना पड़ेगा अडेप्टर। और रूम चेकआउट करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं बाटू केव की तरफ, टैक्सी ले लिया है, इसका आई थिंक 15 से 20 रिंगेट पड़ेगा, और अगर हम लोग ट्रेन में जाते उसका भी 3 रिंगेट पड़ता, 3 रिंगेट चार्ज का 12 रिंगेट, उससे अच्छा टैक्सी ले लो, अभी ट्रांसपोर्ट सस्ता लग रहा है। बाकी बारिश शुरू हो गया, आप देख सकते हो बूंदेबांदी शुरू हो चुकी है, आशा करता हूँ कि बाटो के उधर कुछ अच्छा शेड मिल जाए। और कुछ फेस्टिवल भी है कल, उसके बाद से बहुत भीड़ है, एक दूसरा ड्राइवर बता रहा था, क्योंकि मलेशिया में बहुत हिंदूज रहते हैं, बहुत सारे स्पेशली साउथ वाले, और उसी का टेम्पल जा रहे हैं हम लोग घूमने, और उनका कुछ फेस्टिवल है जो हम लोग को नहीं पता है। आप लोगों को पता हो तो कमेंट करना क्या फेस्टिवल होता है इस टाइम के अराउंड। अभी आज 24 जनवरी चल रहा है, और भाई लोग बारिश शुरू हो गया पूरा, बारिश में हम लोग टैक्सी तो ले लिया था पर टैक्सी रोड ब्लॉकेज की वजह से। और खाना वाना खा लिया, बारिश है भी पता नहीं, शायद 300 सीढ़ी है, मेरा फैमिली तो बोल रहा है कि उनसे नहीं हो पाएगा, पर हो के रहेगा। चलो 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 चलते हैं, हाँ हाँ अच्छे, हाँ हाँ चलो मम्मी अच्छे लम। तो इजी हार्ड ना आशो, अभी उसको नीचे से पूरा लेके अपने घर से चल के सीढ़ी से करके अभी यहाँ ऊपर लाए, यहाँ पे पूजा होगा। और अभी आ गए हम लोग KLCC में, यानी कि कुआलालंपुर का जो ट्विन टावर है उसके एकदम नीचे है। देखो दो दो टावर है और एकदम सेम ही है जैसा मैं 5 साल पहले आया था, 5 साल पहले ये ऐसा था, आज भी ऐसा ही है। कुआलालंपुर पेट्रोनास ट्विन टावर दुनिया के सबसे लंबे ट्विन टावर से, वाटर फाउंटेन शो हो रहा है बढ़िया सा, और यहाँ पे अपना व्यू। और यहाँ से है पेट्रोटर्स ट्विन टावर का बेस्ट व्यू। मैं 5 साल पहले आया था और यहाँ पे अपना फ़ोन रख के मैंने आज पे फ़ोटो लिया था, वो फ़ोटो मैं डालूँगा, वो एक्चुअली मेरे ट्रैवलिंग करियर का पहला फ़ोटो है, फर्स्ट एवर फोटो, और उसके बाद तो बहुत ही फोटोज है जो आप मेरे इंस्टाग्राम में एक्सपीरियंस पर फॉलो कर रहे हो उनको पता होगा। रात के 10 बजे इधर सारे मॉल्स बंद हो जाते हैं, और फिर अभी बजे हैं ऑलमोस्ट 11:02, हम लोग जा रहे हैं लंका भी नहीं, कुआलालंपुर छोड़ के लंका भी की तरफ, बट वाया बस
अपनी बस से सामने वाले बस स्टॉप से रात के 12:15 बजे, अभी 11:02 हो चुका है और हम लोगों ने टैक्सी बुलवा लिया है। और ग्रैब में ये वेलफेयर गाड़ी मिल गया है जो कि जनरली इंडिया में 1.5 करोड़ रुपए का आता है और यहाँ पे सिर्फ 500 रुपए आप बुक कर सकते हो। और सुबह के बज गए हैं 6:30 के आसपास और हम लोग ऐसे ही अच्छे से बस में आ गए थे। बस का लगा ऑलमोस्ट 900 रुपये टिकट, बहुत ही लग्जरियस बस था एक्चुअली। हाँ वैसे बस था हम लोग का डबल डेकर और हम लोग आ गए टूला पेरिस में। और टूला पेरिस से हम लोग अभी फेरी लेके जाने वाले हैं लंकावी के लिए। 6:45 बज रहे हैं ऑलमोस्ट और 7 बजे की फेरी है तो पकड़ लेते हैं फटाफट फेरी। और रात का टाइम है, सब थोड़े टायर्ड हैं, इनको ऐसे इंटेंसिव ट्रैवलिंग का आदत नहीं है जितना हम लोग करते रहते हैं। तो ये अपनी फेरी और अभी सुबह के 11 बजे ये जाने वाली है। हम लोग 10:40 को उठ गए अपने फेरी पे, पर शायद बैठने का जगह मिलेगा। वो जो होता है वो है बबू, आसान से हम लोग को इसका तो मिल गया। और ये चैलेट रूम हम लोग को मिल गया। एक्चुअली हम लोग ने बुक किया था फैमिली रूम बट हम लोग को ये वाला मिल गया, थोड़ा अपडेट कर दिया है। इसका नाम है माली बेस्ट रिजॉर्ट और टैक्सी वाला भी बोल रहा था बढ़िया है। बेस्ट क्यों है क्योंकि रिजॉर्ट के सामने ही है अपना इधर पूल और पूल के सामने ही है इधर समुद्र। चलो एक्सप्लोर करेंगे, मज़ा आएगा। तो ये है लंकावी का सबसे टूरिस्टिक बीच कह सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे राइड्स वगैरह हैं और अपना रिजॉर्ट इधर ही, इनमें से एक चैलेट अपना है। भाई पहली बार व्हाइट सैंड देख रहा है, कैसा लगा भाई व्हाइट सैंड? इतनी गर्मी, बढ़िया है, लोग ज़्यादा पानी पे नहीं उतरे हैं और इतना सस्ता है यार यहाँ पे। आप मेरे को 2000 रुपये का भी रूम दिख रहा था, मेरे को 1500 रुपये का भी रूम दिख रहा था। चलो अपना रूम तो 4000 रुपये वाला है और उसमें हम लोग को 2 रूम मिल गया है, बढ़िया सा है। और इधर से सनसेट होगा और अभी जनवरी का मंथ है और कितना गर्मी, इतना अच्छा है ट्रॉपिकल से इधर शिफ्ट होने में, बहुत अच्छा है। और ये रात का मार्केट है, ऐसा है यहाँ का मार्केट चल रहा है बढ़िया सा। और मम्मी को भी थोड़ा शॉपिंग करना है। और ये सुंदर सा पूल भी है अपने रिजॉर्ट में जहाँ पे मेरा भाई भी लास्ट राइड कर रहा है। और वो वाला है अपना रूम, वो है अपना रूम और उनके साथ ही पूल और सामने समुद्र, ये बढ़िया सा एक्सपीरियंस हम लोग को मिल रहा है। तो रूम से चेकआउट करके हम लोग आ गए अभी यहाँ पे जहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, लंकावी का मेन अट्रैक्शन स्काई ब्रिज और स्काई वॉक कहते हैं शायद इसको। यहाँ पे केबल कार भी है, इसका टिकट मैंने गेटर गाइड से ले लिया था। इसका आई थिंक पर हेड 2000 रुपये के आसपास पड़ता है सारा 5 का पैकेज करने में। अभी वक्त प्रॉब्लम ये है कि अभी बजे दोपहर के देर और हम लोग को 5:30 बजे तक मैक्सिमम एयरपोर्ट पहुँचना है क्योंकि फ्लाइट है। तो हाथ में सिर्फ 4 घंटे, 4 घंटे में सब होगा नहीं, जितना हो गया देखते हैं। यहाँ से भी हम लोग जाने वाले ऊपर, दिख रहा है आप लोगों को केबल कार्ड। चलो टाइम कम है फटाफट चलते हैं। लाइन देख पा रहे हो आप लोग, बहुत लंबी लाइन है पर हम लोग ने एक्सप्रेस लेन लिया है तो हम लोग को फटाफट जाने का मौका मिलेगा। सो वी गोइंग विद द एक्सप्रेस लेन क्योंकि भाई आपका भैया इन्फ्लुएंसर है तो चलो चलते हैं। तो अपनी गोंडोला रेस स्टार्ट हो गई और कहा जाता है ये दुनिया का सबसे स्टीप है, चलो देखा जाए कितना स्टीप है। अपने साथ दो और लोग भी हैं और मेरे को लग रहा था एक घंटा लग जाएगा बट फटाफट हो गया।
जल्दी हो गया ना मम्मी। स्काई केबल के से आने के बाद अपना व्यू है यहाँ पे, देख सकते हो लंकावी का जो पूरा आइलैंड है वो साइड भी दिख रहा है और ये साइड भी दिख रहा है। हमारा होटल उधर कहीं पे है, वो जो दिख रहा है ना वहाँ पे अपना होटल, और देखो कितना सुंदर है, पूरा बादलों से ढका हुआ है। तो वे लोग दूसरा ब्रिज लेने वाले हैं, आई थिंक टोटल तीन है, ऊपर से नीचे का भी कुछ होगा। इस पे भी हम लोग फर्स्ट लेन आके घुस गए और यहाँ से पैरेलल व्यू जाएगा, हम लोग जाएंगे उस ग्लास वाले ब्रिज के ऊपर। कितना हवा है यहाँ पे, बाल नहीं उड़ रहे तुम्हारे? यहाँ डिस्टॉप पे आ गया हूँ, यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज है अलग अलग, आप इनमें से कुछ कर सकते हो। अपने में है ये स्काई ब्रिज जो कि सबसे फेमस है, मैंने देखा था बहुत पहले, वही स्काई ब्रिज करने जा रहे हैं हम लोग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्काई ब्रिज की इधर, और यहाँ से थोड़ा वॉकिंग का है, मज़ा आ रहा है, ऐसा नहीं मज़ा नहीं आ रहा है। इधर एक ग्लास भी है, इधर जूता खोल के जाने को बोला है, जूता खोल के बाद में लेंगे, पर ये पता हिल रहा है विंड आने की वजह से, पूरा हिल रहा है भाई, आप जैसे हिल रहे विंड जैसे हिल रहा है। वैसे बहुत सारे वॉक्स बना के रखा है पूरा व्यू देखने के लिए। तो बहुत लोग ये केबल मोनो कुछ भी होता है ये कहते हैं, मैं और मेरा भाई तो ऊपर आ गया, मम्मी और पापा नीचे खड़े हैं। 20 रिंगेट टिकट है, 10 रिंगेट ईच, यानी कि 180 रुपये एक जन का ऊपर आने के लिए। बूढ़े उनके लिए ठीक है, बूढ़े आदमियों के लिए, हमारे लिए तो हम लोग दौड़ के आ गए, वो लोग अभी तक नहीं आ पाए, लाइन पे खड़े हैं वहाँ पे। एंड हम लोग आ गए हैं लंकावी एयरपोर्ट पे, ट्रिप ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट, अभी बजे 5:25, फ्लाइट है 6:50 को। चलो यहाँ से बोर्डिंग पास निकालते हैं, चलो हम लोग बैठ गए इधर और अभी टेक ऑफ का टाइम आ गया है। कुआलालंपुर का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे भाई 10 मिनट में सब कुछ हो गया, इमिग्रेशन फिर से हो गया और सिक्योरिटी चेकिन भी हो गया, और 15 मिनट के अंदर हम लोग रेडी थे गेट ढूंढने के लिए, और गेट थोड़ा दूर था, आधे घंटे अंदर गेट पहुँच गए और अभी कोलकाता भी पहुँच गए। तो ये फैमिली वाला ट्रिप यहीं पर ख़त्म हो गया, फैमिली बाथरूम करने में, फैमिली के साथ ट्रैवल करना अलग खुशी देता है कि फैमिली को लेकर घुमा रहा हूँ, बट हार्ड है यार, दिमाग में प्रेशर ज़्यादा रहता है। चलो कोई नहीं, एक्सप्लोर आ जाए, अगला कंट्री सोलो ही होने वाला है।